फिल्म की स्टार्टिंग में हमको रिचर्ड को दिखाते हैं जो कि काफ़ी अमीर इंसान था। वो एक शादीशुदा था लेकिन उसका अपनी पड़ोसी जैन के साथ अफेयर चल रहा था, जिसको वो हेलीकॉप्टर से अपने घर पर लेकर आता है जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ था। तो वो उस घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद हेलीकॉप्टर का पायलट रॉबर्टो रिचर्ड को प्योट देता है, जिसे लेने से काफ़ी नशा हो जाता है। ये रॉबर्टो की तरफ से रिचर्ड के लिए एक गिफ्ट था। उसे देने के बाद रॉबर्टो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जैन और रिचर्ड घर के अंदर जाकर रोमांस करते हैं और उनको रात हो गई थी। रात को रिचर्ड अपनी वाइफ से बातें भी करता है। इसके बाद वो फिर से जैन के साथ थोड़ी मस्ती करता है और वो वहाँ पर रोमांस भी करते हैं। उनको सुबह हो गई थी और जैन अब अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर रिचर्ड के दो फ्रेंड आ गए थे जिनका नाम था स्टैन और दिमित्री। तो वो रिचर्ड के साथ हंटिंग ट्रिप करने वाले थे, लेकिन जैसे रिचर्ड अपने उन दोस्तों को देखता है वो काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि वो उन दोनों को जैन से सीक्रेट रखने वाला था। बट अब क्या फ़ायदा, क्योंकि जैन को उनके बारे में पता चल गया था। तो वो जैन को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद जैन वहाँ से चले गई थी और उन दोनों फ्रेंड को जैन काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है और जैन यहाँ से कल जाने वाली थी। अब रात हो गई थी और रात को वो सभी काफ़ी पार्टी करते हैं और स्टैन लगातार जैन से बातें कर रहा था, वो उसे पसंद करने लगा था। इसके बाद वहाँ पर रिचर्ड भी आ गया था और उन सभी को प्योट के बारे में पता चल गया जो कि रिचर्ड को रॉबर्टो ने दी थी। तो वो सभी उसे लेने के लिए कहते हैं लेकिन रिचर्ड उनसे मना कर देता है क्योंकि वो इतनी हैवी थी, उसे लेने से कोई मर भी सकता था। तो वो जैन से उसे छिपाने के लिए कहता है और जैन उसे अपने लॉकेट में छुपा लेती है। इसके बाद वो वहाँ पर डांस भी करते हैं, तो जैन स्टैन के साथ डांस करती है जिससे स्टैन काफ़ी खुश हो गया था। इसके बाद वो सभी डांस करते हैं, वहाँ पर वो ऐसे इंजॉय कर रहे थे और उनको सुबह हो गई थी और जैन अपने रूम में उठती है, लेकिन वहाँ पर रिचर्ड नहीं था। रिचर्ड कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर गया था। वो रूम से बाहर निकलती है तो वो स्टैन से मिलती है जिसने ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था और वहाँ पर दिमित्री भी था जो कि पूल में था। तो स्टैन वहाँ पर जैन के साथ काफ़ी अजीब एक्टिविटी करता है, वो लगातार जैन की तरफ देखे जा रहा था जिससे जैन को काफ़ी अजीब लगता है और वो वापस से अपने रूम में चले गई थी। लेकिन उसके पीछे पीछे स्टैन भी उसके रूम में चले जाता है। तो स्टैन जैन को पसंद करने लगा था और वो जैन के साथ रोमांस करने वाला था, लेकिन जैन उसे कोई भाव नहीं देती है, जिससे स्टैन जैन से एक क्वेश्चन पूछता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती। तो उस पर जैन जवाब देती है और स्टैन से कहती है कि तुम्हारी हाइट काफ़ी छोटी है और मुझे लंबे लड़के काफ़ी पसंद हैं। लेकिन स्टैन को लग रहा था कि जैन उससे को पसंद करती है रात की वजह से, क्योंकि जैन ने स्टैन के साथ डांस किया था जिस वजह से स्टैन जैन का रेप करने लगा था। लेकिन इतनी वहाँ पर दिमित्री आ जाता है और उसने उन दोनों को देख लिया था, बट वो वहाँ से चले जाता है उनको इग्नोर करके। इसके बाद स्टैन लगातार जैन का रेप करता है। तो काफ़ी टाइम बाद अब घर पर रिचर्ड भी आ गया था। वो जैन से मिलता है जो कि अपने बेडरूम में काफ़ी डिप्रेस थी क्योंकि उसका रेप हुआ था और इसके बारे में रिचर्ड को भी पता चल गया था। सबसे पहले तो वो स्टैन को धमकाता है, इसके बाद वो वापस से जैन के पास आकर उसे काफ़ी पैसे ऑफर करता है ताकि वो अपना मुँह बंद रखे, और वो जैन से उसके घर जाने के लिए भी मना करता है। वो उसे कनाडा भेजने वाला था लेकिन जैन इसके लिए मना कर देती है और वो वापस से अपने घर जाने के लिए कहती है रिचर्ड से, लेकिन रिचर्ड ने मना कर दिया था, जिस पर जैन रिचर्ड को धमकी देती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को हमारे अफेयर के बारे में बता दूंगी, लेकिन इससे रिचर्ड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जैन में थप्पड़ मारता है और वो उससे भला बुरा भी कहता है, जिस वजह से जैन उस घर से भागने लगी थी और वो तीनों उसका पीछा करते हैं। तो अब जैन के सामने खाई थी और उसके पीछे वो तीनों कमीने, तो जैन अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ पर। तभी रिचर्ड जैन के सामने फ़ोन करने का दिखावा करता है रॉबर्टो को और उसे हेलीकॉप्टर लाने के लिए कहता है, लेकिन ये सब वो दिखावा कर रहा था। और इसके बाद वो जैन में धक्का मारता है जिससे वो पहाड़ से नीचे गिर गई थी। वो एक पेड़ के ऊपर जाकर गिरती है और एक पेड़ की टहनी उसकी बॉडी के आर पार भी हो गई थी, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो तीनों उसे मरने के लिए छोड़कर
वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले वो तीनों प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाएंगे, इसके बाद वो अपनी हंटिंग ट्रिप को कंटिन्यू रखेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो वहाँ से चले गए थे और काफ़ी टाइम बाद हमको फिर से जैन को दिखाते हैं जिसको होश आ गया था, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा अभी भी उसके अंदर था जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रही थी। तो वो अपने एयरफोन की मदद से अपने लाइटर को लेती है और उससे वो पेड़ में आग लगा देती है जिससे कि वो नीचे गिर गई थी। पेड़ से तो वो बच गई थी लेकिन लकड़ी का टुकड़ा अभी भी उसके अंदर था। इसके बाद वो तीनों फिर से उस पहाड़ के ऊपर आ गए थे। उनको देखकर जैन छुप जाती है। वो तीनों देखते हैं कि जैन वहाँ पर नहीं थी, तो उनको पता चल गया था कि जैन वहाँ से भाग गई है, तो वो उसे ढूंढने वाले थे। अब वो पहाड़ के नीचे आने वाले थे, लेकिन जैसे वो पहाड़ के नीचे पहुँचते हैं उनको रात हो गई थी और वहाँ पर उनको जैन मिलती नहीं है। तो वो जैन के ब्लड को फॉलो करते हैं और वो एक लेक के पास पहुँच गए थे और वो तीनों अलग अलग होकर जैन को ढूंढने लगे थे। अब जैन को दिखाते हैं जो कि उसी लेक पर थे। जैसे वो लेक से बाहर निकलती है उसे दिमित्री मिलता है। वो चुपके से उसकी शॉटगन को लेती है और वो उससे दिमित्री को मारने वाली थी, लेकिन वो गन लोड नहीं थी जिसकी वजह से दिमित्री जैन को पकड़ लेता है और इसके बारे में दिमित्री अपने दोनों फ्रेंड को भी बताता है। अब वो जैन को पानी में डुबोकर मारने वाला था, लेकिन जैन उसके चाकू को लेकर उसकी एक आंख को फोड़ देती है और ब्लीडिंग की वजह से दिमित्री की वहाँ पर डेथ हो गई थी। अब जैन दिमित्री का सारा सामान लेकर उसकी बाइक को लेकर वहाँ से चले गई थी। काफ़ी आगे तक जाने के बाद वो बाइक से उतर जाती है और वो एक गुफा में जाकर छुप गई थी। वहाँ पर जाकर वो दिमित्री के बैग से एक बियर निकालती है और वो उसको पीती भी है। तो उसे काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा अभी भी उसके अंदर था। तो वो अपने लॉकेट से पियोट को बाहर निकालती है और वो उसको खा लेती है ताकि नशे की वजह से उसे दर्द कम हो। उसे खाने के बाद उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी और उसे इतना नशा हो गया था कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। अब वो चाकू से अपने लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है। इसके बाद वो बियर के एल्यूमिनियम कैन को गर्म करती है और वो उसे अपने घाव पर लगाती है। उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था लेकिन वो बेहोश हो जाती है। अब सुबह हो गई थी और उन दोनों को दिखाते हैं जो कि काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि दिमित्री ने जैन को पकड़ लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको उसी लेक पर दिमित्री की डेथ बॉडी मिलती है जिससे कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि जैन अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो दिमित्री के कपड़ों में पत्थर रखकर उसे वापस से पानी में फेंक देते हैं, लेकिन स्टैन इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था और वो रिचर्ड से कहता है कि ये जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से, जिस पर रिचर्ड स्टैन के नाक पर एक पंच मारता है और उससे स्टैन को काफ़ी दर्द होता है। लेकिन इसके बाद वो दोनों जैन को ढूंढने के लिए निकल गए थे। अब जैन को दिखाते हैं जिसे लगातार काफ़ी डरावने सपने आते हैं, लेकिन लास्ट में वो जैसे ही उठती है वो काफ़ी ठीक थी और उसके घाव पर अब बियर का लोगो फिनिक्स भी था। तो वो अपने सारा सामान लेकर गुफा से बाहर निकलती है। अब वापस से हमको उन दोनों को दिखाते हैं, रिचर्ड और स्टैन को। तो उनको दिमित्री की बाइक मिल गई थी लेकिन उनको जैन नहीं मिलती है, तो वो फिर से अलग अलग होकर जैन को ढूंढने वाले थे। तो स्टैन जैन को देख नहीं पाता है दूरबीन से, लेकिन जैन स्टैन की कार को देख लेती है और वो उसका पीछा करने लगी थी। अब स्टैन अपनी कार में था और बीच रास्ते में उसकी कार की गैस ख़त्म हो गई थी, तो वो कार से उतरकर गैस फिल करता है और मौके का फ़ायदा उठाकर जैन उसके सोल्जर पर गोली मारती है। लेकिन जैसे वो थोड़ी देर बाद कार के पास जाती है वहाँ पर स्टैन नहीं था। और अब स्टैन को दिखाते हैं जो कि वहाँ से भागने लगा था और जैन उसके ब्लड के निशान को फॉलो करती है, लेकिन स्टैन काफ़ी चालाक था और वो बीच रास्ते में छुप गया था। और जैसे जैन स्टैन से थोड़ी आगे जाती है, स्टैन मौके का फ़ायदा उठाकर जैन के एयर लॉप में गोली मारता है जिससे जैन नीचे गिर गई थी और वो अपने एक कान से सुन भी नहीं पा रही थी। और इसके बाद स्टैन जैन पर कई सारी गोलियां चलाता है लेकिन वो मिस हो गया था और जैन वहां से भागने लगी थी। स्टैन उसके पीछे था और जैन बीच रास्ते में अपनी टॉर्च को तोड़ देती है। उसके कांच स्टैन के पैर में गड़ गए थे जिससे कि स्टैन को काफ़ी दर्द होता है, तो वो कांच के टुकड़े को अपने पैर से बाहर निकालता है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर जैन का पीछा करता है और वो जैन में कार से टक्कर मारने वाला था, लेकिन इतने ही जैन स्टैन के सर में गोली मारती है और उसकी वहाँ पर तुरंत डेथ हो गई थी।
अब जैन के पास एक कार थी और वो उस कार को लेकर वहाँ से चले गई थी। अब उनको रिचर्ड को दिखाते हैं जो कि स्टैन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वहाँ पर स्टैन आया नहीं था। तो वो वापस से अपने घर पर जाता है, वो काफ़ी परेशान था और वो रॉबर्टो को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से यहाँ से जाने वाला था। इसके बाद वो अपने कपड़े उतारकर शॉवर लेता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला था। अब वो अपने घर के अंदर सोफे पर बैठा था, तभी वो देखता है कि घर से बाहर जैन थी जिसके हाथ में शॉटगन थी। वो कुछ कह पाता उससे पहले जैन रिचर्ड के पेट में गोली मारती है जिससे रिचर्ड नीचे गिर गया था। तो वो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, लेकिन इसके बाद रिचर्ड जैन से छुप गया था घर में और वो दोनों घर में एक दूसरे का पीछा करते हैं। काफ़ी टाइम बाद रिचर्ड जैन के पीछे से आकर अपनी शॉटगन से उसे बेहोश कर देता है। जैसे जैन को होश आता है वो देखती है कि रिचर्ड उसके गले को दबा रहा था, लेकिन जैन ने रिचर्ड के जिस जगह पर गोली मारी थी वो उस जगह में उंगली करती है जिससे कि रिचर्ड को दर्द होता है और वो जैन को छोड़ देता है। इसके बाद जैन अपनी शॉटगन को लेकर फिर से रिचर्ड में गोली मारती है और इस बार रिचर्ड की डेथ हो गई थी। अब जैन घर से बाहर जाती है, वो पूल पर खड़ी थी तभी उसे हेलीकॉप्टर की आने की आवाज़ आती है। वो कैमरे की तरफ पीछे देखती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।